अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा की दीवार पर चलेगा बुलडोजर। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर मनसे ने लगाए पोस्टर, कहा बिग बी बड़ा दिल दिखाओ। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। वेल, बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा की दीवार तोड़ने से पहले ही उनके घर के बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपील करने के लिए पोस्टर लगवाए हैं। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर और आसपास कुछ अनोखे पोस्टर देखने को मिले। इनमें अमिताभ बच्चन से बड़ा दिल दिखाने की अपील की गई है। ये पोस्टर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लगाए हैं और इन पर लिखा है, बिग बी बड़ा दिल दिखाएं। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बी का घर प्रतीक्षा संत ज्ञानेश्वर मार्ग पर लोकेटेड है और बीएमसी सड़क को चौड़ा करना चाहती है। हाउएवर, रिपोर्टेडली जब बीएमसी ने 2017 में अमिताभ बच्चन को इसके लिए नोटिस भेजा था तो अमिताभ बच्चन कोर्ट चले गए थे और ये रोड वाइडनिंग प्रोसेस रुक गया था। लेकिन अब पिछले कुछ दिन पहले ही खबर आई है कि बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। डालिए एक नजर हमारी इस डिटेल्ड रिपोर्ट पर। अमिताभ बच्चन के बंगलों पर आई बड़ी मुसीबत, बीएमसी तोड़ेगी अमिताभ बच्चन का बंगला प्रतीक्षा। इसके पीछे है बड़ी वजह, आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। वेल, बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की नगर पालिका बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा की एक दीवार को डिमोलिश करने का फैसला लिया है। मीनवाइल आपको बता दें, इसके लिए मेगास्टार अमिताभ बच्चन को साल 2017 में ही एक नोटिस भेज दिया गया था। हालांकि इस नोटिस के बाद अभी तक बीएमसी ने कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। वेल, ये फैसला सड़क चौड़ी करने की वजह से लिया गया है। बीएमसी ने बिग बी को नोटिस जारी कर बताया था कि नगर पालिका संत ज्ञानेश्वर मार्ग को चौड़ा करने के लिए उनके बंगले की जमीन का एक हिस्सा लेने वाला है। अब ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी ने मुंबई सब अर्बन कलेक्टर सिटी सर्वे ऑफिशियल्स को अमिताभ बच्चन के बंगले का डिमार्केशन यानी रोड चौड़ी करने के लिए जितने पोर्शन की जरूरत होती है उसकी मेजरमेंट लेकर बाउंड्री बनाने का आदेश दिया है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन के इस बंगले की एक दीवार को डिमोलिश कर दिया जाएगा। मीनवाइल, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट ट्यूलिप ब्रियान मिरेंडा ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में बीएमसी ऑफिशियल्स को लेकर कई सवाल उठाए। रिपोर्टेडली उन्होंने ये भी कहा कि जब नोटिस इशू कर दिया गया तो क्यों इस प्रोसेस में इतना वक्त लगा, अगर ये किसी कॉमन मैन की जगह होती तो तुरंत एक्शन लिया जाता। जब नोटिस म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन 299 में भेजा गया है, इसमें आपने दूसरे नोटिस अपील का इंतजार क्यों किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने आगे ये भी कहा कि रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट हैज बीन सडनली स्टॉप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन बंगलो। मीनवाइल इस पर अमिताभ बच्चन या उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कोई कॉमेंट नहीं किया है, लेकिन आप जरूर शेयर करिए अपने रिएक्शंस ऑन बीएमसी डेमोलिशिंग अमिताभ बच्चन बंगलो प्रतीक्षा। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें बॉलीवुड नाउ के साथ।